कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट्स 24। आज खबरें खास तौर से आ रही हैं दलहन बाजार से। दलहन बाजार में चने और अरहर दाल के बाजार के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले चने में देखा जाए तो फिलहाल बहुत अच्छी ग्राहक की नजर नहीं आ रही है। दाल मिलों में खरीद कमजोर होने से चने कीमतों में गिरावट दर्ज करी गई। हफ्ते भर में इसके भाव 175 रुपये प्रति क्विंटल तक कमजोर देखे गए हैं। व्यापारियों के अनुसार स्टॉकेट्स जहां चने में ज़्यादा मंदा नहीं मान रहे हैं, वहीं दाल मिलों में मौजूदा कीमतों में केवल जरूरत के हिसाब से खरीदारी हो रही है। हालांकि उत्पादक मंडियों में चने की दैनिक आवक पहले की तुलना से काफ़ी कम है। चालू सीजन में उत्पादन अनुमान कम है। ऑस्ट्रेलिया से चने के आयात पड़ते महंगे हैं। ऑस्ट्रेलिया में नई फसल की आवक अगस्त और सितंबर में बन सकती है। उत्पादक राज्यों में मिलर्स और स्टॉकेट्स के पास चने का बकाया स्टॉक ज़्यादा है, लेकिन केंद्रीय पूल में इसका स्टॉक कम है। इसीलिए स्टॉकेट्स बहुत ज़्यादा मंदा मानकर नहीं चल रहे हैं। रेट में 50 रुपये तक की गिरावट है। 7,050 रुपये के आसपास का रेट दिल्ली में देखा जा रहा है। राजस्थान लाइन में मध्य प्रदेश में रेट 7,000 से लेकर 7,025 रुपये के आसपास का मार्केट में आप यहाँ देखकर जा सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, 50 रुपये तक की हल्की सी नरमी बाजारों पर देखी जा रही है। इसके अलावा बात करते हैं अरहर दाल के बाजार के बारे में, तो बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी अरहर दाल में भी नज़र नहीं आ रही है। खुदरा के साथ थोक मांग भी कमज़ोर बनी हुई है। घरेलू मार्केट में इसकी वजह से कल के दिन बाजारों में गिरावट दर्ज करी गई। घरेलू बाजार में आयातित के साथ देसी अरहर की कीमतों में नरमी दर्ज करी गई। व्यापारों के अनुसार अरहर दाल में मौजूदा कीमतों में थोक के साथ साथ खुदरा में भी ग्राहकी कमज़ोर है, जबकि म्यांमार के साथ अफ्रीकी देशों से अरहर का जो आयात है अभी बना रहने का अनुमान नज़र आ रहा है। केंद्र सरकार लगातार दलहन की कीमतों की समीक्षा कर रही है। हालांकि आयातित अरहर के भाव में डिस्पैरिटी है, इसीलिए आयातक नीचे दाम पर बिकवाली कर रहे हैं। घरेलू मंडियों में देसी अरहर की आवक पहले की तुलना से काफ़ी आपको कम देखने को मिल सकती है। रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो रेट में मुंबई में लेमन अरहर में दाम 50 रुपये तक घट गए हैं। 11,450 रुपये प्रति क्विंटल तक का रेट आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। सूडान में आयातित अरहर के दाम 400 रुपये घट गए हैं। 12,000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास का कामकाज चल रहा है। गजरी अरहर में 11,700 रुपये प्रति क्विंटल का रेट मार्केट में स्टेबल देखा जा रहा है। सफ़ेद अरहर में कीमतें 11,700 से लेकर 11,800 रुपये प्रति क्विंटल आपको बाजारों में देखने को मिल सकती हैं। बहुत बड़ी तेज़ी की संभावनाएं नज़र नहीं आ रही हैं। चने में भी ग्राहकी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ओवरऑल दोनों दालों में आपको बहुत ज़्यादा ना तेज़ी देखने को मिल सकती है, ना ही बहुत ज़्यादा मंदी बाजारों में देखी जा रही है। गिरावट पर बाजारों में आप यहाँ से फिलहाल के लिए खरीदारी ज़रूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।